गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, आई होप यू ऑल आर फाइन, स्टे होम, बी सेफ। स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो पार्ट वन वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड साइन ऑल्सो। इन दिस वीडियो वी हैव सॉल्व मल्टीप्लिकेशन सम्स। सो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.4, पेज नंबर 52, चैप्टर 5, मल्टीप्लिकेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सी। इफ 452 व्हीकल्स क्रॉस अ ब्रिज डेली, हाउ मैनी व्हीकल्स विल क्रॉस इट इन द मंथ ऑफ जुलाई। यानी अगर एक ब्रिज पे डेली 452 व्हीकल्स निकलते हैं तो जुलाई मंथ में कितने निकलेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर नंबर लिखते हैं, नंबर्स ऑफ व्हीकल्स क्रॉस। कितने हैं, 452। ठीक है, अब हम लोगों को पहले जुलाई मंथ के डेज निकालने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डेज ऑफ जुलाई। कितने होते हैं जुलाई मंथ में, काउंट करके देख रहे हैं आप लोगों को, 31 डेज। ओके, 31 डेज। डेज इन जुलाई 31। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सो टोटल व्हीकल्स क्रॉस द ब्रिज, क्रॉस अ ब्रिज, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 452 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वन की टेबल टू टाइम बोलेंगे, टू, वन की टेबल फाइव टाइम फाइव, वन की टेबल फोर टाइम फोर, मल्टीप्लिकेशन, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन। फाइव हमने यहाँ लिखा, वन हमने कैरी कर दिया, थ्री फोर ज़ा, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व। ट्वेल्व को प्लस करेंगे हम वन से तो कितना आ जाएगा, 13। अब हम लोगों को क्या करना है, नीचे एडिशन करना है, टू, फाइव प्लस सिक्स कितना होगा, 11, वन कैरी, फाइव प्लस फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, 10, वन कैरी, फोर वन। द आंसर इज 14,012। द आंसर इज द 14,012। स्टूडेंट, हाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लर्क टाइप द 75 वर्ड इन अ मिनट, हाउ मैनी वर्ड्स विल बी टाइप इन अ 5 आवर्स। तो हम लोगों को पहले क्या निकालना है, जो क्लर्क है वो 75 वर्ड्स 1 मिनट में निकाल लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। तो हाउ मैनी वर्ड्स विल बी टाइप इन अ आवर्स, तो हमें यहाँ पर वर्ड्स निकालने हैं आवर्स के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग लिखेंगे 1 आवर्स इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास, 60 मिनट्स। 5 आवर्स के हमें मिनट्स निकालने हैं, तो 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 300 मिनट्स। यहाँ हमने 300 मिनट्स निकाले, अभी हम लोगों ने सबसे पहले 5 आवर्स के मिनट्स निकाले। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, नाउ द नंबर ऑफ मिनट्स 300, नाउ द नंबर ऑफ मिनट्स 300, अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ द वर्ड्स टाइप इन अ मिनट्स, यानी अब जो नंबर ऑफ वर्ड्स वो टाइप करता है इन अ मिनट्स, मिनट्स में वो कितने हैं, 75 वर्ड्स। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 को हमने मल्टीप्लाई कर किससे कर दिया, 75 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 22,500। आंसर इज 22,500 इन द टाइप ऑफ 5 आवर वर्ड्स।
ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है स्टूडेंट, इन नेक्स्ट क्वेश्चन सी फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ मंथ ऑफ अ मार्च। यहाँ पे हमें आवर भी निकालने हैं और मंथ भी निकालने के, हमें कोई नंबर नेम नहीं दे रखा है, तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ अ डे इन अ मार्च। सबसे पहले तो हम मार्च में कितने डेज होते हैं वो लिखेंगे, तो कितने होते हैं 31 डेज। फिर उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ द आवर्स इन अ डे, वन डे, वन डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। उसके बाद है टोटल आवर्स को हम लोग क्या कर देंगे, 31 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे कर देंगे 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 आ गया, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, स्टूडेंट 6, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ऐसे करके हमें पता चलेगा कि 15 आवर्स में हमारे कितने वो होते हैं। करेंगे प्लस 4, 2 2 प्लस 4, 6 प्लस 1 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 744 आवर्स इन अ मंथ ऑफ अ मार्च, यानी कि 744 हमारे पास क्या है, आवर्स है। कितने मंथ, कौन से मंथ में, जुलाई मंथ में, 31 डेज में हमारे इतने आवर्स आते हैं। इसे आपको एक्सप्लेन हो गया, अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ द रेडियो सेट इज 580। एक रेडियो सेट का कॉस्ट क्या है, 580। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ द 82 रेडियो सेट, तो हमें 82 रेडियो सेट का कॉस्ट निकालना है। लेट्स सी, इक्वल्स टू 580, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ द 82 रेडियोस, तो नंबर ऑफ रेडियो सेट, एटी टू। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट को निकालेंगे। 580 इक्वल्स टू 82, 2 की टेबल 0, 0 का 0, 2 8 ज़ा कितने होते हैं 64, 4 यहाँ कर दिया हम लोगों ने, 6 कैरी कर दिया। उसके बाद हाँ यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 की टेबल 0, 2 8 ज़ा 16 होता है, 6 हमने यहाँ कर दिया, 1 हमने क्या कर दिया, कैरी कर दिया, 2 5 ज़ा 10 होते हैं ना, प्लस 1 11, मल्टीप्लिकेशन साइन, 8 0 0 0, 8 8 ज़ा 64, 4 यहाँ कर दिया, यहाँ पे हमने 5 पे 6 को कैरी कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 5 ज़ा कितना होता है 40, तो हम लोग 40 में प्लस कर देंगे 6, तो क्या हो जाएगा 46। अब हम एडिशन करेंगे 0 6 5 7 4, द आंसर इज 47,560 टोटल हमारे कॉस्ट ऑफ 82 रेडियो सेट की आ गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10th क्वेश्चन, स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मनीष हैज 512 15 नोट्स, लिसन केयरफुली, मनीष हैज 412 15 नोट्स, हाउ मच मनी डज ही हैव, यानी उसके पास कितने पैसे हैं, जब उसके पास 412 15 रुपीस के नोट्स उसके पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज़
टोटल नोट मनीष हैज 412. टोटल रुपीस 50 है ना उसके पास, तो टोटल मनी कैसे निकालेंगे हम लोग, इक्वल्स टू 50, ठीक है. जीरो 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 वन जीरो जीरो फोर जीरो, मल्टीप्लिकेशन 5 1 5 5 2 10, 1 कैरी, 5 1 5 6, 5 4 20. अब हम लोग एडिशन करेंगे 0 0 6 0 2. How much money has 20,600. मनीष हैज 20,600 मनी अवेलेबल. ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ गया है. ओके स्टूडेंट, नाउ 10th क्वेश्चन, डू योरसेल्फ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू प्रैक्टिस एट होम.